भी हुई थी आपके बच्चे के साथ, जो इस तरह के घटना हुई है? पंचायत हुई थी, हम एक बार पंचायत अपना जाति में बैठाया था, तो जाति को बैठाया थे तो जाति में हम करोड़ों के बाद भी 15,000 रुपया जाति करो तो पंचायत होगा, अभी 15,000 जाति हम हैं, तभी इस पंचायत को मानो, इस हमको फैसला दो और लड़की को उठाओ। तो माने कौन बोला था आपको 15,000 रुपया देने? मतलब वही समाज बोला था, सरपंच सरपंच बोला। अच्छा, कौन कौन सरपंच है? हाँ बोलिए ना, गुलाम मंडल। अच्छा, तो क्या बोला था कि 15,000 जमा करने के लिए? हाँ 15,000 जमा कर। माने ये पैसा किस रूप में मांग रहा था आपसे, रिश्वत के नाम पे या पंचायत करने के नाम? रिश्वत समझिए। तो बोला था तब पंचायती करेंगे? हाँ तब पंचायती। तुम जो पिटीशन दी है महिला थाना में दी है, क्या पिटीशन दी है? उधर चल गए हमारा डेल पकड़ के ले गल एक बार में बलात्कार करके बलात्कार करके हम काना लगल हमारे खुद हमारा मुँह और बंद कर लगल जैसे काम कठिन काम है से वहाँ संग शादी कर नहीं बात कतो बजे तो हम लोग बोल रही तो हम लोग पता जनता बोले हम पता थे बुजुर्ग नहीं पता गए कहीं हमारा बेटी सुनाना ना के नहीं पका तो नहीं कतो बजे बात हम शादी कर बेटा सब से कहल। तो ये बात कौन बताया तुम, लड़का बताया कि लड़के के माँ बाप बताया? इसका माँ बतल के हम आने को तो बजे ना पापा को बतल के तो मैंने लड़का लड़का के माँ का नाम क्या है जो बताया था, आश्वासन दिया था तुमको? पापा लड़का के माँ के बाप का नाम क्या है जो आश्वासन दिया था तुमको? सविता कुमार सविता देवी। तो मैंने क्या आश्वासन दिया था कि शादी करवा देंगे? शादी करवा देंगे। तुम उसको 2020 से यानी पिछले साल से? तो पुलिस में गई तो पुलिस क्या कार्रवाई किया, क्या आश्वासन दिया है? घर पहले तो कल के पंचायती और बैठले तो पंचायती और बैठले तो पंचायतियों ने मान ला के दो तीन दिन पंचायती बैठी तो सरपंच का कहल के सदन के शादी करवा करके थाना पर मैंने पंचायत में बोला कि शादी नहीं करेंगे तो सरपंच तो 1,00,000 रुपया लेना चौके दो लड़का दिशा सब अपने चाहे पंचायती बैठे थे तो 15,000 रुपया अपने दिए तब पंचायती तुमसे भी पैसे मांग रहा था सरपंच जी किस लिए? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मधुमाला के मतलब मधुमाला का जो मीटर है वो क्या मीटर? मधुमाला का मीटर उनके साथ बलात्कार हुआ 5 माह पूर्व उनके साथ नवानी दुर्गा मंदिर के पीछे उनके साथ बलात्कार हुआ। वह किसी को बताई नहीं थी, उनके साथ ढेर सारे दुर्गारण मंडल काफ़ी भरोसा दिलाया था कि शादी कर लें, हम लोगों का कोई खबर नहीं था। 16 फरवरी को हम लोगों को खबर लगा जब उनका तबीयत खराब हो गया, उनके बाद हम लोगों को पता चला। उसके बाद सामाजिक स्तर से कई मर्तबे हम लोग बैठार किए,
ये सारे व्यक्ति दबंग है, पैसे वाले हैं, जिसके वजह से इस गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा था। हम समझे कि दुर्गानंद मंडल मधुमाला कुमारी के साथ विवाह कर लेंगे तो बेहतर होगा, इधर उधर करने से अच्छा होगा, लेकिन समाज में बहुत ऐसे खबर फैला दिया जिसके वजह से उनके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम लोग थाना पर जा करके प्रार्थना कर सकती है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह हमें बार बार आकर के कहती है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसीलिए हम मीडिया के सहारे प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि इस गरीब बच्ची को न्याय मिले। पंचायत में उसने 15,000 का जिक्र हो रहा है, वो किस रूप में ले मांग रहा था? देखिए, मुझे विशेष तौर पे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि उन लोगों को 15,000 रुपया डिमांड किया गया और लड़का के पक्ष से सरपंच साहब कुछ पैसा लिए हैं, ये सिर्फ बोल रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ मिला हुआ है और सारे आदमी दबंग है, उन्हीं आदमी को साथ दे रहा है। लड़की वाले बहुत कमजोर हैं, वो किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए वह मन क्या मांग है आपका, चाहे प्रीता की तरफ से क्या मांग है? प्रीता की तरफ से मुझे यही मांग है कि लड़का पक्ष उनके साथ शादी करने तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो अन्यथा हम लोग न्यायालय गुहार लगाएंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय कुमार मंडल।